सुल्तानपुर जिले में नहर में चार बच्चियों की डूबने से हुई मौत और पांचवी के लापता होने के मामले में डीएमएसपी मौके पर पहुंचे। राजस्व पुलिस समेत अन्य विभाग की टीमों को उन्होंने लगा दिया है। डीएम ने सभी मृतक बच्चियों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया है। आपको बताते चले, पेमापुर खजूरी गाँव के निकट भैरोपुर कालीगंज के रास्ते से गुजरने वाली ड्रेन में यह हादसा हुआ। नहर से निकलने वाली ये ड्रेन है जहाँ पांच किशोरियाँ शनिवार को नहाने गयी थी। मृतक लड़कियों में आशिया पुत्री पिंटू उम्र 15 वर्ष, आशमीन 15 वर्ष, पुत्री मुन्नू, नंदनी 14 वर्ष, पुत्री फिरोज और अनजान पुत्री उस्मान उम्र 13 वर्ष शामिल है। वहीं खुशी पुत्री शमीम 13 वर्ष लापता बताई जा रही है। इसकी तलाश में जुटी हुई है पुलिस। जिलाधिकारी रवीश कुमार और पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा पुलिस और राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे। खोजबीन के लिए गोताखोरों की मदद ली जा रही है। घटना से किशोरियों के गांव में कोहराम मच गया। कई गांव के लोग मौके पर इकट्ठा हुए। राहत और बचाव कार्य के लिए तत्कालिक टीमें भी लगाई गई हैं। बच्चियों के डूबने की घटना हो गई थी, तो स्थल का निरीक्षण मेरे और पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया। चार बच्चियों की जो बॉडीज है वो मिल गई है। पांचवी के लिए अभी गोताखोरों द्वारा प्रयास जारी है। मौके पर राजस्व प्रशासन और पुलिस की पूरी टीम आ चुकी है और शोक संतप्त परिजन है उनको उचित आर्थिक सहायता के लिए अभी तैयारी की जा रही है। साथ ही जो विधिक प्रक्रियाएं हैं उसको जल्दी से जल्दी पूर्ण कराने के लिए मेडिकल विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। और ये दुखद घटना है और इसका ये भी आगे जो भी कार्रवाई करनी है वो बिना किसी प्रकार की दिक्कत के करवाने के लिए हम लोग टीम लगा रहे हैं।